बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। दोस्तों आपको अगर पता नहीं है, आपको कल परसों में एक मैसेज मिला होगा अपनी मोबाइल कंपनी की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स वापस लगा दिया है। अब आपको हर रिचार्ज के ऊपर और दोस्तों हर पैकेज के ऊपर अब आपको देना पड़ेगा टैक्स। तो ये टैक्स कितना होगा, ये टैक्स से कंपनियाँ ऑलरेडी वसूल कर रही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने टैक्सेस हटाए थे। तो दोस्तों इन्होंने सिर्फ रिचार्ज के ऊपर से टैक्स हटाया था और दोस्तों ये हर पैकेज के ऊपर ऑलरेडी टैक्स ले रहे थे अपने बाप का माल समझ कर। दोस्तों अब जो सुप्रीम कोर्ट ने वापस से टैक्स लगाए तो अब दोस्तों इन्होंने ये टैक्स दो गुना इंटर कर दिया। अब दोस्तों जो नई कीमतें अगर आप देखेंगे, जो पैकेज अगर आप 120 में कराते थे दोस्तों, अब वो महंगा होकर 200 के करीब पहुंच गया। दोस्तों 200 वाला पैकेज 300 से भी महंगा हो गया और दोस्तों 700-800 वाला पैकेज आपको अब 1200-1300 में मिलेगा। दोस्तों बहुत लूट मचाई हुई है पाकिस्तान में मोबाइल कंपनीज में और इसी वजह से जो है ट्विटर पर टॉप ट्रेंड ये चल रहा है। दोस्तों अभी मैंने 10 मिनट पहले देखा था 20.9000 ट्वीट्स थे और अभी जो है 21.2000 ट्वीट्स हैं। दोस्तों टॉप ट्रेंड ये चल रहा है, कंपनीज जो हैं लोगों को लूट रही हैं और हमसे दोस्तों ये डबल टैक्सेस वसूल कर रही हैं। दोस्तों एक टैक्स वो शुरू में लेते थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दोस्तों जस्टिस साकिब निसार ने जब ये फैसला किया था कि अब टैक्स नहीं लिया जाएगा, दोस्तों उन्होंने की थी तौहीन अदालत। दोस्तों जो हर कॉल के ऊपर और दोस्तों हर पैकेज के ऊपर जो टैक्स लगा होता है, जो कि दोस्तों तकरीबन बनता है 100 में से 7 रुपए ये बनते हैं, दोस्तों कंपनीज ने वो टैक्स ख़त्म नहीं किया था। हमें 40 का पैकेज 40 में ही पड़ता था, दोस्तों हमें 160 का पैकेज 160 में पड़ता था, लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या किया, दोस्तों इन्होंने ये टैक्स अब दोबारा से लगा दिया, डबल लगा दिया है। एक वो पहले लेते थे, एक ये अब ले रहे हो। दोस्तों बेवकूफ़ समझते हैं हमें, इनके अब मैसेजेस आते हैं कि कोई मसला नहीं टैक्स लग गया, हम आपको ये पैकेज सस्ता दे रहे हैं, हम आपको ये पैकेज सस्ता दे रहे हैं। दोस्तों ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, दो पैकेज सस्ते करके दोस्तों इन्होंने बाकी सारे पैकेजेस महंगे कर दिए। अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत वो किया। तो दोस्तों अब बायकॉट मुहिम स्टार्ट हो गई है 1 से लेके 5 मई तक। दोस्तों उसके बाद ये होगा कि दोस्तों हम जो करेंगे बायकॉट करेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो दोस्तों आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि 1 मई से लेके 5 मई तक दोस्तों आप लोगों ने रिचार्ज नहीं करना और आप लोगों ने मोबाइल कंपनीज़ को बताना है कि हम जो हैं इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये नाजायज़ कमाई है। थैंक यू।